आइए आज हम आपको इटावा की सरजमी पर सैयद अबुल हसन शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुक़दस की ज़ियारत कराते हैं इंशाल्लाह। बाकी देखिए आप माशाल्लाह दरगाह शरीफ, ये अंदर जाने का रास्ता है, यहाँ से ये देखिए काफ़ी ऊंचे पर ये मज़ार बना हुआ है। यहाँ सब मार्केट है, हम लोग जो आए हुए हैं शाह कमर नेवल रोड इटावा, ये सब मार्केट है आगे तक। आइए हम लोग दरगाह के अंदर चलते हैं। हज़रत अबुल हसन सैयद अबुल हसन शाह वारसी के मज़ार मुक़दस की ज़्यारत करने आए हैं। देखिए माशाल्लाह काफ़ी आलीशान खानका बनी है। आइए आगे अंदर चलते हैं। ये देखिए यहाँ से शुरू है, यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम जी, अब ले लीजिए। इमाम साहब हैं क्या? अभी साहब मदरसे गए हुए हैं। अच्छा, कोई ऐसे ऐसे कौन नहीं, वो तो बना लेंगे। कोई ऐसे शख्स है जो मज़ार के बारे में थोड़ा सा? तो मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। आप आज इतना बनाइए जी। जी बहुत शुक्रिया। देखिए माशाल्लाह ये वजू खाना है जी। जी देखिए वजू खाना है, यही मस्जिद है। चलिए आगे चलते हैं। ये ज़ायरीन का रुकने का इंतज़ाम किया है यहाँ। देखिए माशाल्लाह जब उर्स होता है तो उर्स के दौरान काफ़ी जो मुरीदीन है यहाँ के तशरीफ़ लेकर आते हैं। यहाँ पर सभी का रुकने का इंतज़ाम है। ये देखिए ये कमरे सब नंबर वाइज नंबर कमरे बने हैं, पंखों का इंतज़ाम किया हुआ है और काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। ये देखिए आइए हम लोग पहले मस्जिद की ज़्यारत करते हैं, मस्जिद के अंदर चलते हैं। यहाँ बड़ी ही आलीशान मस्जिद बनी है। मस्जिद में अभी नमाज हो गई थी तो नमाज के बाद ताला लगा हुआ है। ये देखिए ताला लगा हुआ है। हम आपको बाहर से ही मस्जिद का नज़ारा करा देते हैं। देखिए सैयद अबुल हसन शाह वारसी वारिस पाक पर आपका नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। ऐ उमर तुमको देखा हो गया ठंडा गले जा नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा गले जा नूर का। उमर 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 ये दरगाह के कोई मसले मसाइल हैं। Thank you.
यहाँ पर हर फिरके के लोग इस दरगाह पर आते हैं, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। मुस्लिम भी आते हैं, गैर मुस्लिम भी आते हैं, सभी लोग यहाँ हाजिर देने आते हैं और काफ़ी लोगों को यहाँ से फैज़ भी मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए गुंबद है, ये मज़ार पाक की, मज़ार शरीफ की गुंबद है। ऐसे ही गुंबद देखिए एक यहाँ है। ये देखिए मस्जिद के बलगल गुलाबे कमाली ही, सूरज पड़ रहा है, कशफत दुजाब जमाली ही, हसुनत जमीओ खिसवाली ही, सल्लु अलैहि व आलिही। ये साथ में आए हुए हमारे मामू के बेटे हैं, माशाल्लाह इनके ही ज़रिए हम यहाँ पर आना हुआ। ये देखिए ये खजूर के पेड़ लगे हुए हैं। ये इधर देखिए लंगर खाना है, दरगाह हज़रत अबुल हसन शाहबारसी मसोलियम ट्रस्ट कटरा शहाब खां इटावा यूपी। ये मोबाइल नंबर है, ये लंगर खाना है। अभी उर्स कब होता है यहाँ का जी? हम सब बैठे हैं, थोड़ी सी वीडियो बनाना है रूम में, हम सब के निकल आते हैं। سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله 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 माशाल्लाह काफ़ी आलीशान मज़ार बना है। आप सब वारिस पाक के मुरीदीन हैं। असल में क्या है, यहाँ पर वो शख्स जिनसे मिलना था वो मिले नहीं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर आप देख लीजिए इमाम साहब कहीं गए हुए हैं। तो ये देखिए मैं आपको सिर्फ ज़्यारत करा रहा हूँ और असल में यहाँ के बारे में पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस सुनने में आया था ये मज़ार काफ़ी आलीशान बना हुआ है तो सोचा यहाँ की ज़्यारत की जाए, आप लोगों को भी सवाब की नियत से ज़्यारत कराई जाए यहाँ की। देखिए ऊपर भी देखिए माशाल्लाह, आपका सिलसिला वारिस पाक से हैं। देखिए सलाम, और आप लोग भी यहाँ इंशाल्लाह तशरीफ़ लेकर आइए जब आपको वक्त मिले। ये सब मकाम बने हुए हैं, ये देखिए
ये रूम्स वगैरह बने हुए हैं। आइए एक मज़ार में और आपकी ज़ियारत कराते हैं, जो सैयद अबुल हसन शाहवारसी साहब का मज़ार ये है। ये देखिए, तेरह सौ पैंतालीस हिजरी का ये मज़ार बना हुआ है। ये देखिए, आइए अंदर चलते हैं इंशाल्लाह। यही आपका मेन मतलब रोज़ा मुबारक बना हुआ है। सैयद अबुल हसन साहब वारसी रहमतुल्लाह अलैह आपका सिलसिला वारिस पाक से हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। दोनों मज़ार अंदर से एक जैसे ही बने हुए हैं। वो आपके खलीफा का मज़ार है, जो अभी इससे पहले आपको ज़ियारत कराई थी। काफ़ी मुरीदीन आपके यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आते हैं और बड़ा ही फैज़ हासिल होता है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पर हर सिलसिले के लोग तशरीफ़ लेकर आते हैं और उसके दौरान पे बड़ा ही अच्छा भी लगता है। ये देखिए, देखिए यहाँ पर आगे चलते हैं अंदर। ये इमाम बाड़ा अंदर बना हुआ है, बहुत प्यारा बना है। अंदर तशरीफ़ यहाँ मुहर्रम के वक्त आते हैं, बड़ा ही आलीशान लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और बनाया भी देखिए, खूबसूरत बना है। ये देखिए, हम लोग अंदर चलते हैं। ये ताजिया बना है, इमाम बाड़ा बना हुआ है। ये देखिए, देखिए माशाल्लाह काफी खूबसूरत बना है। अंदर चलते हैं, सब देखिए इमाम बाड़ा बना हुआ है। ये सब जी जी, असल में क्या है, यहाँ पर जिनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती, यहाँ के बारे में हमें जानने को मिलता, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसलिए हम आपको यहाँ के बारे में पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। बस इतना ही बता सकते हैं कि बाहर मालूम चला कि आपका रोज़ा मुबारक वो है और ये इमाम बड़ा है। سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله 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 سبحان الله الحمد لله لا إله
सभी सिलसिले के लोग यहाँ पर तशरीफ लेकर आते हैं। ये देखिए, ये पीने के पानी का इंतजाम है। ये पीने के पानी का इंतज़ाम किया है। ये फुलवाड़ी वगैरह भी लगी है यहाँ पर। यहाँ भी देखिए वज़ू खाने का, जैसे ख़वातीन वगैरह आती हैं वो वज़ू खाना जेंट्स के लिए है, ये लेडीज़ों के लिए बना हुआ है। ये देखिए फुलवाड़ी में पानी दे रहे हैं हमारे भाई। अस्सलामु अलैकुम, खैरियत से हैं आप लोग? माशाल्लाह। ये देखिए भाई, आप कब से हैं यहाँ पर जी? मतलब कितने टाइम से आप यहाँ पर रह रहे हैं? 20 सालों से, माशाल्लाह। तो आप यहाँ सब पेड़ों की देखभाली करते हैं और इसके साथ साथ और भी क्या क्या? और भी अपना भी काम करते हैं, उसके बाद अपना काम से फारिग होने के बाद। अच्छा, जो यहाँ के गद्दे नशीन है, जो सज्जादा साहब है, वो कहाँ के? वो यहीं के मकामी, मतलब इटावा के ही रहने वाले हैं। किस मोहल्ले के? इसी मोहल्ले के। अच्छा, यहाँ पंजाबी मोहल्ले के ही हैं, माशाल्लाह। तो वहाँ पर आप ये सारे काम अंजाम देते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सलाम वारिस। सलाम वारिस, माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर और भी जो कब्रिस्तान है वो किस साइड से निकलते हैं? यही कब्रें और भी, मतलब और भी कब्रें जो बनी हैं? ये देखिए यहाँ भी कब्र बनी, ये कब्र है ना? मामूली लोग नहीं है ये। अच्छा, मतलब ये सब? ये भी वारिस पाक के टाइम के हैं ये। अच्छा, अच्छा, ये किसी खातिन का? अच्छा, इनका नाम वगैरह नहीं लिखा है कहीं? लिखा नहीं है, लेकिन वो अच्छा, अच्छा वो बताएंगे, बड़ी भी जो बैठी है वो बताएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ये देखिए खजूर का पेड़ लगा। अच्छा, ये जो मज़ार है वो भी मज़ार है ना आगे? ये देखिए एक छोटा मज़ार भी तो ये भी था ना, इसको मैं छोड़ दिया। देखिए एक, ये सब आपके ही मुरीदीन हैं। الله الحمد لله لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله لا اله الله الحمد لله لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله لا اله الله الحمد لله لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله لا اله الله الحمد لله لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله بس یہاں پر یہی ہے کہ ایک ہی مزار بنا ہوا ہے زیارت کیجیے انشاءاللہ اندر چلتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ ये भी आपके मुरीदीन ही हैं और ये मज़ार भी काफ़ी पुराना बना हुआ है। खजूर के पेड़ लगे हुए हैं, देखिए एक पर पेड़ और लगे हैं। ये भी सब
काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। आज फ्राइडे का दिन था इसलिए लोग कम हैं, बाकी यहाँ पर बहुत सारे लोग तशरीफ़ लेकर आते हैं। ये आपका शिजरा शरीफ है, रहमत लिलआलमीन हो या मोहम्मद मुस्तफ़ा, कश्ती दिल डूबती है लो खबर बहरे खुदा, काफिरो मोमिन के मौला या अली मुर्तज़ा, ऐसी मुश्किल में खबर लेना मेरी मुश्किल कुशा, या हुसैन इबन अली रूही फिदा रूही फिदा, रोज़े अक़दस पे अपने फिर से मुझको लेना बुला, बंदे बेदाम है ये आपके दर का गदा, क्यों नहीं लेते खबर या हज़रत ज़ैनुल ऐबा। बा करो मौला और ज़ाफ़र काज़िमो मूसा रज़ा, हम सिया कारों के ये हैं मुक्तदाए पेशवा, तेरे में खाने के मतवाले बने जो बाखुदा, उनके सदके में हमें तू बादए बहदत पिला। हज़रत मारूफ करखी सरे सकती वा खुदा, ये जुनेदो शुबलीवा शाकी बने बहरे खुदा, आपको हर चीज़ पर कादिर ने है कादिर किया, गौसुल आज़म पीर मुर्शिद सर गिरोहे वालिया, अब्दुल रज़ाक मुहय्युद्दीन अहमद दस्तगीर और है सैयद अली व शेख मूसा रहनुमा, शहे हसन अब्बास मुर्शी शहे बहाउद्दीन मस्त शहे फरीद व शेख इब्राहिम औलिया, शाह इस्माइल यारे मैदन सदके व सफ़ा, दो शराबे वारसी मुझको बहुत जल्दी पिला, शाह खलीलुल्लाह सानी वहक कर शाह हुसैन शहे हिदायतुल्लाह और हैं अब्दुल समद मर्द खुदा, अब्दुल रज़ाक वली शाकिर अल्लाह पेशवा शाह निजातुल्लाह की खिदमत में है ये इल्तिजा, बंदे नाचीज देखो बहरे गम है फंस गया, या शहे खादिम अली अपने करम से लो बचा, वारिस कौनो मका हज़रत इमामुल औलिया आप हैं महबूब हक वारिस अली मुश्किल कुशा, रिंद मशरक इश्क मजहब खाक पाए औलिया, कुश्त पीर सलामत बुल हसन अहले वफा। ये देखिए आपका शिजराए शरीफ है पूरा मैंने पढ़ा वा खुदा, ये देखिए माशाल्लाह इसी तरीके से उधर देखिए आप उर्दू में भी लिखा हुआ है, जी ये गुंबद है। तो आप इसको देखिए सवाब के नियत से ज़ियारत कीजिए, ये मस्जिद है, काफ़ी लोग हाजिर देते हैं, बड़ा ही फैज़ हासिल होता है उन लोगों को माशाल्लाह। अल्लाह व बरकातहू, आइए आज हमने आपको जो ज़ियारत कराई इंशाल्लाह इस वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और लोगों तो ख़बर मिले कि इटावा की सरजमी पर यह आलीशान खानका बनी है। आप लोग इसको देख कर सवाब की नियत से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनको भी इस खानका की ज़्यारत करने की सवाब मिलेगा, मतलब सवाब की नियत से वो ज़्यारत करेंगे तो इंशाल्लाह उनको भी सवाब मिलेगा और के ज़रिए मुझे भी चंद नेकियां मिलेंगी इंशाल्लाह। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मोहम्मद सलमान रज़ा 0786 के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।